नमस्कार, मेरा नाम सैफ साजन है। आप देखना शुरू कर रहे हैं नेशन फूड। बहुत सारे लोग बोलते हैं हेल्दी फूड टेस्टी नहीं होता है और टेस्टी फूड हेल्दी नहीं होता है। आज सभी को रॉन्ग साबित करेंगे, बनाएंगे मिलेट बोल। मैं यहाँ पे स्पिनच मिलेट राइस बनाऊंगा और एक क्रीमी सॉस से वेजिटेबल बनाऊंगा। और ये पूरे ग्लूटेन फ्री रेसिपी है, इसमें मिल्क का यूज नहीं है और फ्लावर का यूज नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे फ्लावर यूज किए हैं वो भी मिलेट के। तो चलिए बनाते हैं मिलेट बोल, लेकिन म्यूजिक के उस पार। यहाँ पे मेरा पानी बॉईल हो गया है, पालक को ब्लांच कर लेता हूँ और 2 से 3 मिनट लगेगा ब्लांच होने। यहाँ पे मैं अभी स्टेन कर लेता हूँ पालक को और इसको क्या करूँगा, कोल्ड वाटर में डाल के रख देता हूँ। यहाँ पे मेरा कोल्ड वाटर है, इसमें मैं डाल के रख देता हूँ ताकि मेरा पालक जो है बहुत अच्छा कलर आ जाएगा इसमें। तो चलिए डाल के रखते हैं। अभी ये मेरा अच्छे से ठंडा हो गया है। अभी क्या करना है, इसका एक फाइन पेस्ट बनाना है और इस पानी को इसमें डाल देता हूँ थोड़ा से और इसको अच्छे से प्यूरी बना देता हूँ। तो चलिए बनाते हैं। अभी क्या करना है, हमको सॉस बनाना है। सॉस बनाने के लिए मैं सोक करके रखा हूँ कैसुनट काजू, इसको डाल के इसका मिल्क बना देते हैं। काजू का मिल्क किया हूँ, उसी पानी को डाल के पेस्ट कर लिया। अभी इसमें घी लेता हूँ, थोड़ा से गार्लिक और थोड़ा से ऑनियन, फिर इसको थोड़ा से सौते कर लेते हैं। सॉस बनाने के लिए सिंपल से इसमें ज्वार का आटा लेता हूँ और फिर इसको अच्छे से भून लेता हूँ। जैसे बटर और मैदा लेके सॉस बनाते हैं व्हाइट सॉस, मैं यहाँ पे घी और ज्वार का फ्लोर लेके यहाँ पे मैं सॉस बना रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरा कैसुनट का मिल्क रेडी है, तो इसमें ऐड कर देता हूँ और इसको थोड़ा से बॉईल होने देता हूँ। धीरे धीरे चलाएं और फिर देख लीजिए यहाँ पे ठीक हो गया। तो इसमें जो मेरे मिक्सर ग्राइंडर में पानी डाल के इसमें फिर डाल देता हूँ। अभी इसको कुछ देर तक पकाते हैं ऐसे करके। अगर आप नहीं चलाएंगे तो नीचे लग जाएगा, तो देखना थोड़ा थोड़ा बीच में चला देना। यहाँ पे मैं हिमालय पिंक सॉल्ट डालता हूँ और थोड़ा से ब्लैक पेपर पाउडर और क्या करेंगे, ओरिगानो थोड़ा से डालेंगे और यहाँ पे नॉटमेग का थोड़ा से ग्रेटेड किया हुआ यहाँ पे डाल देता हूँ नॉटमेग, और इसको स्लो मीडियम फ्लेम में इसको थोड़ा से पकाएंगे। और फिर क्या करूँगा, यहाँ पे थोड़ा से करी पाउडर है इसमें ऐड कर देता हूँ और फिर इसको थोड़ा पकाएंगे। ये अच्छा एक फ्लेवर आ रहा है और धीमे आंच में इसको पकाएंगे। अभी रेडी हो गया ये। अभी वेजिटेबल थोड़ा सौते करेंगे, इसके लिए हम थोड़ा घी लेते हैं, थोड़ा से गार्लिक लेते हैं चॉप और क्या करते हैं थोड़े से ऑनियन चॉप इसमें डाल दिया। अभी इसको थोड़ा से सौते कर लेते हैं, पूरे सौते नहीं करें, जस्ट सौते कर लेता हूँ। और फिर क्या करूँगा, इसमें अभी मैं कटा हुआ गाजर, बीन्स और जुकनी और ब्रोकली, मशरूम थोड़े से काटा हुआ और थोड़े से कलरफुल कैप्सिकम, अगर नहीं है आपके पास तो आप एक ही कैप्सिकम से भी डाल सकते हैं, और सब वेजिटेबल मिला के इसको थोड़ा सौते कर लेते हैं। कितना कलरफुल कलर आ रहा है। यहाँ पे मैं सॉल्ट पेपर थोड़ा से ऐड कर देता हूँ सीजनिंग के लिए और फिर इसको थोड़ा सौते कर लेते हैं। अभी क्या करना है, इसको स्लो मीडियम फ्लेम में इसको थोड़ा से रख देते हैं 5 मिनट तक। कुक हो गया है, अभी देख लीजिए यहाँ पे कुक हो गया है मेरा वेजिटेबल। अभी क्या करना है, ये मेरा रेडी है। अभी इस जो सॉस हम लोग बनाए हैं इस सॉस में इसको ऐड कर देते हैं। तो चलिए ऐड कर दिया यहाँ पे हमें। अभी क्या करना है,
अभी हमको इसको सॉस और वेजिटेबल दोनों को मिलाना है और कुछ देर तक इसको पकाना है। लगभग हमारा तो वेजिटेबल पक गया है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा पका लेते हैं, अंदर तक इसका फ्लेवर चला जाएगा। और यहाँ पे मेरे पास बॉईल किया हुआ ग्रीन पीस है, मैं डाल दिया, पहले नहीं डाला इसलिए, अगर डालता तो कलर आ जाता है इसमें, फिर ये थोड़ा से कलर फेड हो जाता है। अभी बनाएंगे मिलेट, स्पिनच मिलेट राइस। इसके लिए घी थोड़ा से लेता हूँ और इसमें जिंजर गार्लिक ग्रीन चिली चॉप ऐड करता हूँ। अभी यहाँ पे मैं जिंजर ग्रीन चिली और गार्लिक तीनों ऐड कर दिया हूँ। अभी थोड़ा से सौते इसको करेंगे, फिर क्या करेंगे, हमारे जो पालक को प्यूरी बनाए थे इसमें ऐड कर देंगे। अभी इसको पानी सूखने तक इसको थोड़ा पकाएंगे, ठीक है। तो चलिए, पानी यहाँ पे लगभग मेरा सूख गया है मेरा पालक का प्यूरी से। अभी मेरे पास यहाँ पे लिटिल मिलेट बॉईल किया हूँ यहाँ पे है। अगर आप यहाँ पे लिटिल मिलेट कैसे बनाते हैं, लिटिल मिलेट का राइस अगर नहीं आता है तो मैं आपको लिंक नीचे दे दूँगा, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। कवर करके रख देता हूँ। अभी क्या करना है, इसमें थोड़ा से सॉल्ट और फिर थोड़ा से क्यूमिन पाउडर और फिर थोड़ा से यहाँ पे करी पाउडर, और ये बहुत ही टेस्टी बन गया है। तो हमारा मिलेट राइस रेडी है और उस साइड हमारा व्हाइट सॉस विथ वेजिटेबल तैयार है। तो चलिए प्लेटिंग करते हैं। तो पहले मैं स्पिनच मिलेट राइस प्लेट में डालता हूँ और फिर यहाँ पे वेजिटेबल विथ व्हाइट सॉस दूसरे साइड में डालता हूँ। तो देखिए कितना क्रीमी टेक्सचर बन के तैयार है हमारा यहाँ पे, और क्या है, और कलरफुल भी दिख रहा है और टेस्टी भी है। ग्रीन और व्हाइट का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा लग रहा है, और ऊपर से थोड़ा हर्ब डाल देंगे। बन के तैयार है हमारा मिलेट बॉल, बहुत ही हेल्दी है और बहुत ही टेस्टी है। अगर कोई आपको बोलता है हेल्दी फूड टेस्टी नहीं होता है, तो आप ज़रूर ये रेसिपी शेयर कीजिए, और ऐसे ही हेल्दी रेसिपी देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे आने वाले बहुत सारे हेल्दी रेसिपी आपको मिल सके। धन्यवाद।